गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फॉर सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 2 वर्ड शब्द और वाक्य। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 10 निकालिए। यह चैप्टर नंबर 2 वर्ड शब्द और वाक्य का वीडियो पार्ट सेकंड है। हमने इससे पहले कुछ टॉपिक कर चुके थे, इसके अब हमारे बच्चे भी टॉपिक कर रहे हैं। तो टॉपिक नंबर 5 मात्राएं, टॉपिक नंबर 5 मात्राएं, मात्रा इसे कहते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। फिर कर रहा हूं लास्ट पर, मात्राएं, इन मात्राएं किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। क्लियर? नोट, स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती, स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती, यह हर व्यंजन में मिला होता है, यह हर व्यंजन में मिला होता है तथा शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, तथा शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। नौ, आप सभी बच्चे पाठ 2 के पेज नंबर 11 से स्वर तथा उसकी मात्रा, व्यंजन और उसकी मात्रा, मात्रा के साथ तथा शब्द एचडब्ल्यू में करें। आप सभी बच्चे पाठ नंबर 2 के पेज नंबर 11 से स्वर तथा उसकी मात्रा, व्यंजन और उसकी मात्रा, मात्रा के साथ तथा शब्द एचडब्ल्यू में करें। फिर करा से आप कह सकते हो, आप सभी बच्चे पाठ नंबर 2 के पेज नंबर 11 से स्वर तथा उसकी मात्रा, व्यंजन और उसकी मात्रा, मात्रा के साथ तथा शब्द एचडब्ल्यू में करें। टॉपिक नंबर 5 इन मात्राएं आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, इसका होमवर्क भी आपको मिल गया। अब टॉपिक नंबर 6 शब्द, शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। इस प्रकार डेफिनेशन इसकी यह है, इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निर्थक। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सार्थक और निर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, निर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वैसे फिर देखिए नंबर 6 शब्द, शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है।
इस प्रकार लिखने की वर्णों के सार्थक में को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए क प्लस मैं प्लस लैं कमल, क प्लस मैं प्लस लैं कमल एक फूल, अर्थ है इसका कमल क्या है, एक फूल एक नाम। नंबर दो गी प्लस ला प्लस सै गिलास, गी प्लस ला प्लस सै गिलास एक क्या है वस्तु, दोनों का अर्थ हो गया ना, एक फूल है और एक क्या है वस्तु। नंबर तीन देखिए आ प्लस मैं आम क्या है, एक फल है, आ प्लस मैं आम क्या है फल है। सेब प्लस रह सेब क्या है, एक जंगली जानवर, सेब प्लस रह क्या है सेब एक जंगली जानवर। तो क्या है, इससे हमें शब्दों का अर्थ का पता चलता है। इन कमल क्या है, एक फूल है, गिलास क्या है एक वस्तु है, आम क्या है एक फल है, सेब क्या है एक जंगली जानवर। नोट देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के, जो मैंने भी आपको बताया कितने प्रकार होते हैं दो प्रकार, कौन से सार्थक शब्द तथा निर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जैसे कमल एक फूल है, गिलास एक वस्तु है, और निर्थक शब्द कौन से होते हैं जिनका कोई शब्द नहीं निकलता, वो आगे करेंगे। नोट देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द तथा निर्थक शब्द। तो नंबर एक सार्थक शब्द, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कै प्लस मैं प्लस है कमल, एक क्या है फूल है, गी प्लस ला प्लस है गिलास एक वस्तु है। नंबर दो निर्थक शब्द, नंबर दो निर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ल मैं कै ला ला गी से ला गी, इनका कोई अर्थ नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर दो निर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ल प्लस मैं प्लस कै लम, ला प्लस गी प्लस से लागी, कोई अर्थ नहीं। क्लियर। टॉपिक नंबर सात वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, देखिए शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। टॉपिक नंबर आठ वाक्य के अंग, यानी वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं दो अंग होते हैं, वाक्य के
दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। वाक्य क्या है? वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य तथा दूसरा विधेय। नंबर एक उद्देश्य, उद्देश्य से कहते हैं वाक्य में कर्ता के बारे में बताने वाला भाग उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता के बारे में बताने वाला भाग उद्देश्य कहलाता है। जैसे अमरीश निबंध लिख रहा है, अमरीश निबंध लिख रहा है। मैंने अमरीश के लिए अनुमान कर दिया। नंबर दो ईशान समाचार सुन रहा, नंबर दो ईशान समाचार सुन रहा, मैंने ईशान के लिए भी अनुमान कर दिया आदि। उपयुक्त वाक्यों में अमरीश तथा ईशान उद्देश्य हैं, क्योंकि इस वाक्य में अमरीश निबंध लिख रहा है। निबंध कौन लिख रहा है? अमरीश। अमरीश क्या है? कर्ता। अमरीश क्या है? कर्ता। ऐसे समाचार सुन रहा है, कौन सुन रहा है? ईशान। तो ईशान क्या है? कर्ता। इसलिए दोनों अमरीश और ईशान क्या है? उद्देश्य है। इसी बात रिपीट कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट उद्देश्य, वाक्य में कर्ता के बारे में बताने वाला भाग उद्देश्य कहलाता है। जैसे अमरीश निबंध लिख रहा, सेकंड ईशान समाचार सुन रहा है आदि। उपयुक्त वाक्यों में अमरीश तथा ईशान उद्देश्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि देखिए निबंध लिख रहा है, कौन लिख रहा है? अमरीश लिख रहा है। समाचार सुन रहा है, कौन सुन रहा है? ईशान सुन रहा है। इसलिए अमरीश और ईशान क्या है? उद्देश्य। नंबर दो विधेय, नंबर दो विधेय, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी कर्म के, उद्देश्य माने कर्म के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी कर्म के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि अमरीश निबंध लिख रहा, ईशान समाचार सुन रहा है, तो यहाँ पर अमरीश क्या कर रहा है? निबंध लिख रहा है, और ईशान क्या कर रहा है? समाचार सुन रहा है। इसलिए निबंध लिख रहा है और समाचार सुन रहा है, दोनों क्या है? विधेय हैं। समझ गए? समझ गया? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे अमरीश निबंध लिख रहा है, ईशान समाचार सुन रहा है, तो निबंध लिख रहा है, कौन लिख रहा है? अमरीश क्या कर रहा है? निबंध लिख रहा है। अमरीश क्या कर रहा है? निबंध लिख रहा है। ईशान क्या कर रहा है? समाचार सुन रहा है, तो निबंध लिख रहा है और समाचार सुन रहा है, दोनों क्या है? विधेय हैं। क्लियर?